हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं KWN वर्सेस SR टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 9:34 हैं। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो आज रात 9:30 को मैच स्टार्ट होगा। और पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 170 से 180 रन तक बन सकते हैं। और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। @JHOFANTASY सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों। इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट ही भी है जिसमें 788 सब्सक्राइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्वाइन करना दोस्तों। इस दोनों अकाउंट में आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। ये दोनों अकाउंट वाला बहुत हरामी है दोस्तों, आपको ये फेक टीम देगा। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करने से आप 100% विन होंगे। आपको भी इसी तरह विन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% विन करेंगे। माई मास्टर 11 में ईजिली आप मनी अर्न कर सकते हैं। इसमें लो कॉम्पिटिशन है और ये नया ऐप भी है दोस्तों। माई मास्टर 11 का लिंक यही है, क्लिक करते ही तुरंत शो हो जाएगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक करूँगा, एफ कलील को और टी धनुंजया को। एफ कलील के बारे में बात करें तो एफ कलील का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो एफ कलील ने लास्ट मैच में 4 बॉल खेला था और आई खान ने लास्ट मैच में 4 बॉल पर 2 रन मारा था दोस्तों। और टी धनुंजय के बारे में बात करें तो टी धनुंजय ने लास्ट मैच में 6 बॉल खेल के 13 रन मारा था दोस्तों। लास्ट मैच में दोनों विकेट कीपर ने इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया है, लेकिन दोनों विकेट कीपर एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर है। दोनों को आप 100% पिक कर लेना। आई खान एक KWN टीम के लिए इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। SRL टीम के लिए टी धनुंजय एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। ये दोनों को आप 100% पिक कर लेना। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया हूँ, इनका स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने W परारा को पिक करूँगा, D अजेज को और टीम मोहम्मद को। मैंने 3 बैट्समैन को पिक कर लिया। इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो W परारा ने लास्ट मैच में 15 बॉल पर खेल के 17 रन मारा था दोस्तों। लास्ट मैच में 15 बॉल खेल के 17 रन। और टी अजेज के बारे में बात करें तो 4 बॉल खेल के 4 रन मारा था। और टीम मोहम्मद के बारे में बात करें तो टीम मोहम्मद ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया है और कमाल का बॉलिंग भी। लास्ट मैच में 28 बॉल खेल के 37 रन मारा था दोस्तों। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया और 4 ओवर डाल के 2 विकेट भी लिया था दोस्तों। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया और कमाल का बॉलिंग भी। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक कर लिया, उनका लास्ट मैच का स्टैट्स भी बता दिया। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक करूँगा, ए हमजाद को और पी महादेवन को। मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक कर लिया, इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो ए हमजाद के लास्ट मैच में 19 बॉल्स खेल कर 13 रन मारा था दोस्तों लास्ट मैच में, और 1 ओवर डाल के 0 विकेट। लास्ट मैच में विकेट भी नहीं मिला दोस्तों, इतना अच्छा बैटिंग भी नहीं किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लेना है। ऑलराउंडर में इनका सबसे ज़्यादा पॉइंट है दोस्तों, आप इनको 100% पिक करना। और पी महादेवन के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में 24 बॉल्स पर 28 रन मारा था दोस्तों, और 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। कमाल का बैटिंग किए हैं और कमाल का बॉलिंग भी। इन दोनों ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, इन दोनों को आप 100% पिक कर लेना। मैंने ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दें। अब बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने वी संजय को पिक करूँगा, एस अहमद को, बी इकबाल को और वी कुलटैंग को।
मैंने चार बॉलर्स को पिक कर लिया। उनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते, वी संजय ने लास्ट मैच में 9 बॉल खेल के 17 रन मारा था दोस्तों, और 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था। लास्ट मैच में 9 बॉल पर 17 रन, कमाल का बैटिंग किया दोस्तों। एक बॉलर होकर भी 9 बॉल में 17 रन, कमाल का बैटिंग, और 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था। और एस अहमद के बारे में बात करते, एस अहमद ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था दोस्तों, 0 विकेट। लास्ट मैच में 1 विकेट भी नहीं मिला, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बॉलर है। और बी इकबाल के बारे में बात करते जाए तो बी इकबाल ने लास्ट मैच में 3 ओवर डाला था और 1 विकेट लिया था दोस्तों। और बी कुलटनान के बारे में बात करा जाए तो लास्ट मैच में 10 बॉल खेलकर 13 रन मारा था दोस्तों, और 2 ओवर डाल के 1 विकेट भी लिया था। लास्ट मैच में अच्छा बैटिंग किया, अच्छा बॉलिंग भी। मैंने बॉलर्स में 4 बॉलर्स को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, और बैट्समैन में मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, और ऑलराउंडर में मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 4 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊंगा डब्लू पेरारा को, और वाइस कैप्टन में एफ कलील को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया हूँ, एफ कलील को, टी धनुंजया को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया हूँ, डब्लू पेरारा, डी अजय, टी मोहम्मद को, और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया हूँ, ए हमजाज को और बी महादरगन को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 4 बॉलर्स को पिक किया, वी संजय, एस अहमद, बी इकबाल और बी कुलटैगन को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरा टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।